अस्सलाम वालेकुम, हाई, दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक मटर के साइज का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस उसे कहते हैं। और वो हाइपोथैलेमस के साथ ही एक स्टॉक के ज़रिए अटैच्ड है। सो अगर मैं डायग्राम की तरफ आपको ले जाऊं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ ही ये एक स्टॉक के ज़रिए अटैच है, और इस स्टॉक को इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मटर के साइज़ का, मैंने चूँकि यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है दैट इज़ ऑफ पी प्लांट, जो मटर का जो पौधा है, प्लांट है, उसके साइज़ का होता है। और बहुत ही छोटा ग्लैंड है, और इसका जो वेट है दैट इज़ 0.5 ग्राम। सो अब ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड के तीन लोब्स होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट लोब इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर लोब, ये पीछे मौजूद होता है, पिछला लोब है, और ये इंटीरियर लोब होता है जो बिल्कुल आपको सामने दिखाई देता है, और इन दोनों के बीच में एक अलग सा लोब होता है दैट इज़ कॉल्ड मीडियन लोब। मीन अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाऊँ, सो ये वाला जो लोब है, ये वाला दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर लोब, और मेरा जो पिछले वाला जो लोब है, ठीक है, मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूँ दैट इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। इन बिटवीन इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब देर इज़ अ मीडियन लोब जो कि ये वाला लोब है। आई थिंक लोकेशन समझ आ गया है। और इसमें से जो हर लोब है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, कुछ हार्मोन्स बना के वो ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है, और जाके टारगेट ऑर्गन पे वो एक्ट करता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें से जो इंटीरियर लोब है, इंटीरियर लोब टोटल 6 ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है। सो द फर्स्ट हार्मोन इज़ कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको TSH भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और थायराइड स्टेबलिटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करें। सेकंड है FSH हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल ये मेल गोनेट्स के ऊपर भी होता है और फीमेल गोनेट्स के ऊपर भी होता है। सो बेसिकली FSH हार्मोन ये फीमेल के ओवरीज के ऊपर एक्ट करता है। इसके फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये टेस्टिस के ऊपर भी एक्ट करता है मेल के अंदर, और फीमेल में ये ओवरीज के ऊपर एक्ट करता है। सो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है जो कि मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, और फीमेल में ये ओवरीज के ऊपर एक्ट करता है जिस तरह FSH एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है ACTH हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH हार्मोन क्या करता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करे। उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी एक हार्मोन है जो कि फीमेल के अंदर क्या करता है कि ये मिल्क की इजेक्शन के अंदर जो है ना, इसका बड़ा रोल है। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये ग्रोथ को इन्हेंस करता है, स्टिमुलेट करता है। सो ये जो 6 हार्मोन्स है, ये इंटीरियर लोब, जो ये वाला लोब है, ये वाला लोब इसको प्रोड्यूस करता है, और इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नहीं कहते हैं। ये जो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कभी भी नहीं कहा जाता, इसके सिर्फ ये जो लोब है एंटीरियर लोब, इसको ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि इसका आंसर सिंपल ये है कि ये जो 6 हार्मोन रिलीज करता है ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और उनके एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसलिए इंटीरियर लोब, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर लोब को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसलिए कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद है मीडियल लोब। मीडियल लोब एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद लास्ट लोब है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। और पोस्टीरियर लोब दो तरह की हार्मोन्स रिलीज करता है, एंटी डायरोटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, एंड ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन भी इनको कहते हैं। इन हार्मोन्स के फंक्शंस को डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। नाउ कमिंग टुवर्ड द रोल ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस का मैंने ये डायग्राम दिखाया है, दिस इज द पार्ट हाइपोथैलेमस, जहाँ पे इसके नीचे ये जो ग्लैंड मैंने दिखाया है दैट इज मास्टर ग्लैंड मीन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, न्यूरो सेक्रेटरी रोल से मुराद ये है कि हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहा जाता है। सो मैंने यहाँ पे दो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स दिखाए हैं, दिस इज बेसिकली न्यूरो सेक्रेटरी सेल और एक न्यूरो सेक्रेटरी सेल ये है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। अब न्यूरो सेक्रेटरी सेल ये ऐसे सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस में जो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इंटीरियर लोब के साइड पे होते हैं, दिस लोब इज कॉल्ड एंटीरियर लोब एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। अब यहाँ पे जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और उन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, इट रिलीजेस हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, इनहिबिटिंग फैक्टर्स एंड रिलीजिंग फैक्टर्स। अब रिलीजिंग फैक्टर्स का काम ये है कि ये हार्मोन्स जब यहाँ पे बनते हैं इन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स दरअसल न्यूरॉन सेल्स होते हैं और इनके सेल बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स बनते हैं, और ये हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स बनते हैं, और यहाँ पे ये एग्जॉन जो इसकी लंबी जो टेल है इस न्यूरोनल सेल का, इसकी जो लंबा सा टेल है ये इस लंबे से टेल के ज़रिए ये मूव करता है बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और यहाँ पे ये मैंने रेड से मैंने ब्लड कैपिलरी दिखाया है, दिस इज़ बेसिकली ब्लड कैपिलरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये यहाँ पे जो रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग फैक्टर्स जब बनते हैं सेल बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, और ये यहाँ से मूव करते हैं बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बाय द एग्जॉन टेल, और इस एग्जॉन टेल से ये ब्लड के अंदर पोर करते हैं। ये जो न्यूरॉन है इस कैपिलरी के साथ साइनेप्स बनाता है, मीन अटैच हो जाता है, जंक्शन बनाता है, और इस कैपिलरी के अंदर पोर करता है, तो इस कैपिलरी के अंदर तो ब्लड होता है, और ये ब्लड के ज़रिए इस कैपिलरी में आता है। यहाँ पे इंटीरियर लोब में क्या होता है, इंटीरियर लोब में ये हार्मोन्स यहाँ पे आ जाते हैं।
अब यहाँ पे इंटीरियर लोब तो छह हार्मोन्स खुद बनाता है, FSH, LH, प्रोलेक्टिन जो ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जो छह के छह हार्मोन्स है वो यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे जो रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन न्यूरोसेक्रेटरी सेल बनाता है वो क्या करता है, वो इस इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करें। रिलीजिंग फैक्टर के काम क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर लोब, और अगर ये इनहिबिटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगा, इनहिबिटिंग फैक्टर्स से मुराद ये हैं कि वो हार्मोन क्या करता है कि इन इंटीरियर लोब को सिग्नल देता है कि वो हार्मोन्स को के रिलीज़ करने को स्टॉप करे, वो हार्मोन्स को रिलीज़ ही ना करे। इनहिबिट का मतलब ये है कि हार्मोन को रिलीज़ ना करे, उनको स्टॉप कर दे, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी रिलीज़ को स्टॉप करते हैं। और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर लोब की तरफ जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन बना के भेजता है, सो अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कि जब हार्मोन यहाँ पे बनता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो तरह के हार्मोन बनाता है, एक है ADH हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। सो ये दो तरह के हार्मोन यहाँ पे बनाता है और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल, ये इस न्यूरोनल सेल्स के एक्सॉन वाली जो टेल है इसमें ये मूव करता है, यहाँ से ट्रैवल करता है और बिल्कुल इसकी जो लंबी टेल है यहाँ पे ब्लड कैपिलरी के साथ साइनस बना के इसके अंदर ये पोर करता है, और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या करते हैं, वो इस पोस्टीरियर लोब में इन हार्मोन्स को क्या करता है, इन हार्मोन को यहाँ पे स्टोर करता है, और बवक्ते ज़रूरत जब ज़रूरत हो तो फिर ये हार्मोन, ये जो ADH ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये यहाँ से रिलीज होके ब्लड के अंदर पोर करके ब्लड सर्कुलेशन में ये टारगेट ऑर्गन की तरफ जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस मैंने क्लियर कट बताया कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो हार्मोन्स बनाता है, इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग फैक्टर्स। इंटीरियर लोब में ये देखो यहाँ पे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं इसकी जो एक्सॉन एंडिंग है वो बहुत ही शॉर्ट होती है टेल, और यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग टेल बहुत लंबी है, सो यहाँ पे ब्लड के ज़रिए ब्लड कैपिलरी ही यहाँ पे हार्मोन्स लेके लाता है, और यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग हार्मोन लेके लाता है ब्लड कैपिलरी के अंदर। मीन सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊँ कि जो पोस्टीरियर लोब की तरफ जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स बना के लाता है वो दो हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होते, ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाते हैं और वो पोस्टीरियर लोब में यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। मीन पोस्टीरियर लोब खुद से हार्मोन नहीं बनाता, जो हार्मोन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बनाते हैं वो थ्रू एक्सॉन एंडिंग यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, बल्कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स बनाता है वो यहाँ पे इंटीरियर लोब की तरफ आके, इंटीरियर लोब तो खुद अपना हार्मोन बना सकते हैं, जो छह हार्मोन्स थे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया वो छह हार्मोन यहाँ पे पहले से बनते हैं, और इन हार्मोन्स ने क्या करना है, रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स ने उन हार्मोन्स को या तो इनहिबिट करना है या तो सिग्नल दे के स्टिमुलेट करके रिलीज़ करवाना है यहाँ पे। सो आई थिंक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का जो रोल है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो दिस वॉज शॉर्ट द लेक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अल्लाह हाफिज़।